हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, सभी से माफ़ी मांगता हूँ। मैं माफ़ी क्यों मांग रहा हूँ, क्योंकि तो मेरी तबीयत ख़राब थी और मैं आप लोगों की हेल्प नहीं कर पाया, इस वजह से मांग रहा हूँ। बीएससी फाइनल ईयर का शायद कल पेपर होने वाला है, फिजिकल केमिस्ट्री का। और मैं आपको पता है हर पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालता हूँ यूट्यूब पर, लेकिन मैं आपके लिए ये वीडियो नहीं डाल पाया टाइम से, क्योंकि मेरी आज भी तबीयत ठीक नहीं है। गला बैठा हुआ है, बिल्कुल गले में दिक्कत है। और आपको पता है जब तबीयत ख़राब होती है तो एनर्जी नहीं रहती भाई, खड़े होने की वजह नहीं है। लेकिन कोई ना, आप लोगों की हेल्प के लिए आ चुका हूँ। बीएससी फाइनल ईयर फिजिकल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। नोट टेंशन रहो, कंप्लीट नोट कराएंगे, बहुत जल्दी करवाएंगे। बीएससी फाइनल ईयर 2024 के लिए फिजिकल केमिस्ट्री के पहला क्वेश्चन नोट कर लो। प्रकाश विद्युत प्रभाव श्रोडिंगर समीकरण दो तीन मिनट का वीडियो बनाऊंगा, मेरे को टाइम नहीं है, हालत खराब है बिल्कुल ना। बंदी और अबंदी कक्षक, देखो टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं बोल देता हूँ, लिख लेना है ना, ठीक है। अगला है सिग्मा पे पाईबंद में संबंध बताना है, सिग्मा और पाईबंद में संबंध बताना है। सिग्मा स्टार पाई पे पाई स्टार की आकृति बनाने की प्रक्रिया बतानी है। आइसोटोप प्रभाव क्या है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। आप लोग बोलोगे धीरे बता दो, आप थोड़ा वीडियो को बिल्कुल धीरे कर लेना, क्योंकि स्पीड धीरे हो जाती है। आगे देखो, बोर्न ओपेनहाइमर समीकरण क्या है, स्टोक्स व एंटी स्टोक्स क्या है, बर्न का नियम क्या है, फ्रैंक कॉर्डोन सिद्धांत क्या है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की विवेचना कीजिए। आगे देखें तो बियर लैम्बर्ट नियम क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, बाष्प दाब अवनमन, हिमांक अवनमन, राहुल का नियम, धनात्मक और ऋणात्मक पर टिप्पणी, मतलब धनात्मक ऋणात्मक के लिए राहुल का नियम, सक्रियता गुणांक, बांट ऑफ गुणांक, अनुसंघ गुणधर्म, पराशरण दाब। ये क्वेश्चन कंप्लीट मैंने बता दिया, इनमें से आपको पासिंग होने का मिल जाएगा मैटर, कंप्लीट मैंने बता दिया है। बाकी दो तीन क्वेश्चन नहीं भेजे, क्योंकि मैं पूरे क्वेश्चन नहीं बता सकता, क्योंकि स्टूडेंट जिन्होंने मॉडल पेपर लिया है वो मेरे को बहुत बुरा भला बोलते हैं बाद में कि हमने पैसा दिया है आप यूट्यूब पर, ही बता देते हो बाद में। इसलिए जो करीब 3 यूनिट के क्वेश्चन बता दिए मैंने, बाकी 1 से 1.5 यूनिट के क्वेश्चन बाकी रखे हैं, बाकी सब बता दिए हैं। तो इनको अच्छे से पढ़ो, वीडियो लेट आई उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं इसको अभी अपलोड करने की कोशिश करूँगा जिससे आप लोगों की हेल्प हो पाए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और अपने यार दोस्तों को शेयर कर देना। अब बीएससी वालों के, सेमेस्टर वालों के, सबकी जल्दी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड होने वाले हैं, थोड़ी तबीयत ठीक हो जाए, बाकी एक्टिव होने वाले हैं, नो टेंशन रहो। तो कर देना हेल्प, बाकी आप वीडियो एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।